गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे मेन्यू कंट्रोल्स का दूसरा पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स को कुछ मेन्यू बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें और अपन आज टू वार्स अपन देखेंगे मेन्यू में, ठीक है। तो देखिए अपन चलते हैं सीधे सीधे पॉइंट पे चलते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर, जैसे हमारे पास कोई एप्लीकेशंस है, अपने सॉफ्टवेयर जब हम बनाएंगे तो उसमें आइकन्स कैसे चेंज करेंगे या कोई फाइल्स को कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले आपको बता दें, जैसे यहाँ पर लिखा रहे हैं मतलब प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आईकॉन फाइल, ठीक है, आईकॉन फाइल लिखा हुआ है। एक सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट में नहीं, आप देखिए रिसोर्सेज लिखा हुआ है। तो जैसे आप अपने फोल्डर वगैरह में, फाइल वगैरह में, अपने प्रोजेक्ट वगैरह में जितनी भी इमेजेस चाहते हैं तो उन इमेजेस को आप डाउनलोड कर लीजिए नेट से। जैसे मैंने कुछ साइज़ की इमेजेस डाउनलोड की हैं यहाँ पे, जैसे 16:16 की कुछ PNG इमेज ली हैं, कुछ JPG वगैरह इमेज ली, जो इमेज आप लगाना चाहते हैं। देखिए अलग अलग टाइप की मैंने यहाँ पर इमेज ली है, कुछ हमने 32 वाले उसकी भी डाउनलोड की है, देखिए यहाँ पर उसकी भी पड़ी होंगी। एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, फोल्डर डाउनलोड किया मैंने, एक्सट्रैक्ट किया, क्लियर। तो जब हम इनको सिस्टम में अपन इंस्टॉल करें, देखिए आ गया अपने पास थर्ड, ये देखिए हमारे पास कुछ इमेज पड़ी है, इमेज पड़ी। अब इन इमेज को आप अपने सॉफ्टवेयर वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं, इतनी सारी हमारे पास इमेज पड़ी है। कुछ हम चुनिंदा इमेज ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ऑन क्लीनर के ले लिया, बैक के लिए ले लिया, ऐड के लिए ले लिया, ठीक है, अप्लाई के लिए ले लिया, कैंसिल के लिए ले लिया, ठीक है, आपने कई इमेज पड़ी हैं आपके पास, ठीक। इस टाइप से आप जो भी सेव के लिए ले लिया, आपने सेव डेटा के लिए ले लिया, आपने प्रिंटर के लिए लिया, प्रीमियम के लिए लिया, इस टाइप से आपने कुछ बटन जिसे हम कॉपी किया, आपने कॉपी कर लीजिए। और कहाँ हमने बताया, प्रॉपर्टीज में जाके और रिसोर्स में जाके, यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर लीजिए। जितनी भी इमेजेस हैं देखिए सारी इमेजेस आपके यहाँ पर आ गए, क्लियर। अब आप पर्टिकुलर जैसे कोई आइकॉन फाइल्स बनाना चाहते हैं, जैसे इसमें हमारे पास इतनी सारी हैं, अभी आप जितनी चाहें उतनी डाउनलोड कर सकते हैं नेट में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है इमेज सारी। मैंने भी डाउनलोड कट के लिए, जैसे आप कट कॉपी पेस्ट का प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया किसके लिए, कट के लिए, ठीक है, जैसे कॉपी किया यहाँ पर हमने, पेस्ट कर लिया, सारी इमेजेस की हमको ज़रूरत पड़ेगी, कट के लिए ले लिया। आपको मान लो किसी और के लिए भी चाहिए, जैसे इमेज थोड़ा सा हमने यहाँ पर जैसे पेस्ट का कोई आइकन मिल जाए, सपोज दैट आपको पेस्ट करने को मिल गया ना, कट का भी पेस्ट का आइकन आपको मिल गया, तो आप यहाँ पर पेस्ट का भी आइकन ऐड कर सकते हैं। आपको कॉपी के लिए चाहिए तो हमने सब डाउनलोड कर रखे हैं, आप भी नेट से डाल लीजिए कॉपी, जैसे इस इतने इमेज हैं। अब इसी तरह हम जैसे आइकन इमेज चाहते हैं तो आइकॉन के लिए भी देखिए हमने ICO फाइल होती है, ICO जैसे ICO फाइल्स हैं, हम चाहते हैं अपने जैसे सॉफ्टवेयर मैंने बनाया तो सॉफ्टवेयर में कोई आइकॉन आनी चाहिए, कैमरा के लिए बनाया तो हम इस कैमरे वाले आइकॉन को लगाना चाहते हैं, तो इसको भी हमने यहाँ से कॉपी करके अपने इस रिसोर्स फोल्डर में पेस्ट कर दिया। इसमें करेंगे रिसोर्स फोल्डर, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, जब हमारा ये एप्लीकेशन रन हो तो पहली बात हमने इसको राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम एक एक चीज़ आज यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, इमेज डिजाइनिंग भी बहुत मेन पोर्शन होता है किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये पूरे फॉर्म में हमारे पास रन होगा कि नहीं होगा, ये देखिए आपका पूरा यहाँ पे रन हो रहा है, ये देखिए आपका पूरा यहाँ से फॉर्म रन हो रहा है। देखिए ये .NET का आइकन बनाना, तो जिसने .NET बनाया उसने भी ये अपना आइकन लगाया होगा। आप देखते हैं हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई आइकन बन के आता कि नहीं आता, तो वैसे ही अगर आप अपने इसका भी आइकॉन बनाना चाहते हैं, आइकॉन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आइकॉन लगाना, तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको देखें यहाँ पे मिलेगा, ये देखो लिखा ना आइकॉन, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पे पड़ा हो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक। तो जैसे हमने कहाँ पे रखा है अपना C++ के अंदर 32 के अंदर आइकॉन, ये आपके आइकॉन कोई भी जैसे आइकॉन आपको लगाना, हमने ये लगा दिया। अब देखिए इसको रन कराइए, हमारा आइकॉन क्या आएगा, ये आइकॉन हमारे ऊपर क्या है, चेंज हुए ना। तो अपने हिसाब से आइकॉन वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, एक फॉर्म ले लेते हैं, जैसे आप ऐड करा लेते हैं इस सॉल्यूशन, एक फॉर्म आप बना लीजिए, जैसे आप राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक ऐड
ऐड में जाके आपने से एक फॉर्म ले लिया, वो पोस्ट फॉर्म सपोज टू, फॉर्म टू ले लिया, और इस फॉर्म टू में आपने जैसे बटन्स वगैरह बनाए, क्या बनाए, बटन्स वगैरह बनाए, तो जैसे आपने लिया कट के लिए, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, किसी के लिए आपने बटन्स लिए, जैसे आपने इतनी बटन रखी, जैसे आपने ले लिया ऑन सपोज रेडी सेव के लिए, किसके लिए आपने बटन लिए, इसका पहले पूरे फॉर्म का साइज चेंज कर लेते हैं हम। तो अपन यहाँ से बोल्ड साइज 10, ठीक। अब जैसे अपन ये बटन मान लो सपोज दैट सेव, कोडिंग नहीं, आज कोडिंग के अलावा भी मैं बात कर रहा हूँ डिजाइनिंग का, सेव के लिए बनाई, जैसे आपने ये लिए मान लो प्रीव्यू के लिए लिया, किसके लिए, प्रिंट के लिए, किसके लिए, प्रिंट के लिए, आपने इस तरह कितनी बटन यहाँ से ले लिया। अब इसमें चाहते हो कि आप अपनी इमेज लगाना चाहते हो, क्या लगाना चाहते, इमेज, तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे मिलेगी इमेज प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इमेज, इमेज जाने के बाद देखिए सारी प्रॉपर्टी आपको कौन सी लगानी, शेप की, तो यहाँ देखिए सर्च कर लीजिए शेप, यहाँ गया, ये देखिए शेप प्रॉपर्टी आ गया। अब अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आपका देखिए टेक्स्ट अलाइन अभी क्या आ रहा, मिडिल सेंटर, आप यहाँ से इसको राइट कर लीजिए, क्लियर। आप इमेज का अलाइन करना चाहते हैं, इमेज अलाइन करना चाहते हैं तो मिडिल आ रही, आप इसको कर दीजिए राइट, क्लियर। इसी तरह आप प्रिंटर के लिए लगाना चाहते हो, अगर आप, तो आप राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, इमेज प्रॉपर्टी, आपने यहाँ किसके ले लिया, प्रिंट के लिए, आ गया। इमेज अलाइन कहाँ करना है आपको, इमेज का अलाइन, ये देखिए आपने कर दिया, क्लियर। आपको टेक्स्ट अलाइन कहाँ करना है, ये देखिए टेक्स्ट अलाइन कहाँ करना है आपको, टेक्स्ट का अलाइन आपने यहाँ से कर दिया। अब आप देखिए कर कराते, प्रॉपर्टी में जाएंगे, फॉर्म टू को रन कराइए, देखिए आपको बन के आने लगी बटन, आप देखिए देख के पता चल रहा है सेव के लिए बटन है, ये प्रिंटर के लगा हमने लिख दिया। अगर आप ना लिखें टेक्स्ट को, ना लिखें, अगर टेक्स्ट को नहीं लिखना चाहते तो आप इनको यहाँ से हटा भी सकते हो, टेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं, टेक्स्ट भी नहीं, तब भी आपको समझ में आएगा ये बटन आपकी काहे के लिए है। अब इनका इमेज राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए और इमेज का लाइन अप क्या कर दीजिए आप, सेंटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए तो आपने इसका भी क्या कर सेट। अब आप रन कराइए तो आपको पता चल रहा है ये बटन काहे के लिए, सेव के लिए, ये बटन आपकी काहे के लिए, प्रिंट के लिए, काहे के लिए, सेव के लिए, प्रिंट के लिए। अगर आप इन पर टूल टिप देना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाए, तो प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको एक यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मिलना स्टार्ट होती है, नहीं मिल रही तो आप यहाँ से इसको ऐड करा लीजिए, टूल बॉक्स में जाइए, टूल बॉक्स में जाने के बाद टूल टिप, क्या रखिए आपने टूल टिप। अब आप राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद टूल टिप, ठीक, टूल टिप आपकी यहाँ पर शो कर रही है अभी, देखिए क्लियर। अब हम इस पर क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट ऑटो डायलॉग, टेक्स्ट ये देखिए टूल टिप नीचे आ रहा। अब टूल टिप में आपने यहाँ पे दे दिया सेव, क्या दे दिया सेव, इसी तरह राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी, आपने यहाँ दे दिया प्रिंट, क्या दे दिया। अब देखिए रन करोगे और जैसे ही कर्सर लेके जाओगे दिखा रहा है नीचे क्या सेव, और ये काहे के लिए आपका प्रिंट के लिए, क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या बनाते हैं, टूल टिप का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टूल टिप का यूज करते हैं, टूल टिप बनाना आ गया, क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, हम मेन्यू पे वापस आते हैं, मेन्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोर जाते हैं, फॉर्म वन को लेते हैं, और फॉर्म वन पे अपन को क्या करना है, मेन्यू बनाने सपोर्टेड, क्या बनाने, मेन्यू बनाने। तो ये देखिए अभी हम यहाँ से प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इस फॉर्म को फॉर्म वन सेलेक्ट करेंगे, रन कराएंगे। इस तरह से आप कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं, अभी आप अपने फॉर्म ले लिया, क्लियर। इस फॉर्म पर आपको क्या करना, अपना मेन्यू को डिज़ाइन करना, क्या डिज़ाइन करना है, मेन्यू डिज़ाइन करने,
तो आप जाएंगे टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स में जाने के बाद आप यहाँ से किसको लेंगे, मेन्यू बनाने के लिए हमने क्या बताया, क्या लेते हैं अपन, मेन्यू स्ट्रिप, क्या लेते हैं मेन्यू स्ट्रिप को आपने यहाँ से ले लिया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद क्लियर, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसका साइज को आप इंक्रीज कर लीजिए, थोड़ा साइज आपने यहाँ से बड़ा कर लीजिए, फॉन्ट ले लिया आपने, फॉन्ट लेने के बाद आपने इसको कर दिया मान लो बोल्ड, ठीक, अटैलिक, जो भी आप जिस स्टाइल में लेना चाहते हैं, देखिए जिस जिस जैसी डिफरेंट स्टाइल आप बना जो अच्छी लगे आपको, ये आपने यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से आपने जैसे मैंने मेन्यू बनाया है यहाँ पे एम्परसेंट फाइल, फाइल के अंदर जैसे हमने दिया न्यू, न्यू के अंदर हमने दिया जैसे सेव, इसके अंदर दे दिया हमने प्रिंट, फिर हमने दे दिया इसके अंदर क्लोज, क्या दे दिया क्लोज, ठीक, इसी तरह हमने यहाँ पर दे दिया एडिट, एडिट, एडिट के अंदर हमने दे दिया जैसे कट, फिर हमने कॉपी, ठीक है, फिर हमने यहाँ से पेस्ट, पेस्ट इस टाइप से, फिर हम यहाँ और जैसे ऐड करना चाहते हैं हमने दिया फॉर्मेट, क्लियर, क्या दिया फॉर्मेट, यहाँ पर आप देना चाहते हैं जैसे दे दिया फॉन्ट, कलर, और जो भी आपको यहाँ से देना, क्लियर, इस टाइप से आप यहाँ में, फिर आप यहाँ पे देना चाहते हैं जैसे हेल्प, आपने दिया यहाँ पे क्या हेल्प, हेल्प, ये आपने देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया, क्या बना दिया, अब आप रन कराइए, खुल गया मैंने, अब आप क्या चाहते हैं, जैसे ये मेन्यू खुलते हैं, राइट क्लिक करना चाहते हैं, यहाँ पे सेट को इमेज करना चाहते हैं न्यू के, तो आपने जैसे क्लिक किया, आपने दिया ऐड के लिए, आए शेप के लिए राइट क्लिक, ऐड सेट, किसके लिए, शेप के लिए, ठीक, प्रिंट के लिए राइट क्लिक, सेट इमेज, क्लोज के लिए राइट क्लिक, सेट इमेज, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लोज, या अपन इसको बोलते हैं कैच। अब आप रन कराइए, ये देखिए इमेज यहाँ पे भी आपने यहाँ पे इमेज सेट कर दी, क्लियर, अब देखिए पिक्चर से पूरा आपको यहाँ पे हैंडल हो रहा है, तो यही चीज़ आपकी, अब जैसे न्यू करना, न्यू फॉर्म को ओपन करना, तो न्यू फॉर्म, अब इसके आप क्लिक इवेंट पे चले जाइए, किस पे चले जाइए, क्लिक पे, तो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म टू डॉट शो, क्या कर, फॉर्म टू डॉट शो, देखिए फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, क्लिक करोगे फॉर्म टू आपका यहाँ से शो हो जाएगा। अगर आपको इसका चाइल्ड बनाना है, तो चाइल्ड बनाने के लिए हमने क्या बताया था, हमने क्या करना पड़ता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस बनाना पड़ता है, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इस एम डी आई कंटेनर, इस एम डी आई कंटेनर इक्वल टू हमने क्या कर दिया ट्रू। अब बस यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, क्या कि फॉर्म शो के पहले हमने क्या कर दिया, फॉर्म टू टू डॉट इस एम डी आई पेरेंट, या एम डी आई पेरेंट इक्वल टू मी, यानी मेरा पेरेंट कौन है, एम डी आई फॉर्म है, अभी देखिए इसके अंदर खुलेगा, खुला, मिनिमाइज करोगे मिनिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज करोगे मैक्सिमाइज, देखिए जो आइकन हमने सेट किया वही आइकन आ रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे, इस टाइप से यहाँ पे आप देखिए कोई भी, आप टूल टिप भी दिया था हमने, टूल टिप भी आ रही है, क्लियर, इस टाइप से हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं। अब यहीं पे आप अपना जैसे ये तो मेन्यू बना लिए, ये मेन्यू बनाना हमने आपको कल भी बताया था, इनसे मेन्यू, अगर इनके शॉर्टकट मेन्यू बनाने हैं तो शॉर्टकट बनाने के लिए आपको क्या बताया था, आइटम्स में जाओगे एक बार, फिर फाइल में जाओगे, फाइल के अंदर कलेक्शन में जाओगे, ये मेन्यू खुले, अब आपको न्यू का शॉर्टकट बनाना है, तो सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा, शॉर्टकट में आप यहाँ से देख लीजिए कंट्रोल, कंट्रोल के बाद आपने कर दिया एन, शॉर्टकट बन गया, फिर आपको शेप का शॉर्टकट बनाना है, तो कंट्रोल प्लस एश, इसका शॉर्टकट बन गया, तो किसी का भी शॉर्टकट आप लोग यहाँ से बना सकते, देखिए शॉर्टकट आपके बन के आ गए, क्लियर, ये देखिए पूरा आपका शॉर्टकट यहाँ से बन के आ गया।
क्योंकि कितनी सुंदर इमेज यहाँ पे आप कितनी सुंदर मेन्यू बना सकते हैं, जैसी चाहे वैसी स्टाइल से यहाँ से आप मेन्यू की ले सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जैसे टूल बार आप बनाना चाहते हैं, जैसे स्टैंडर्ड जैसे ये वाली ये बनाने के क्या है टूल बार आपने बनाना चाहते हैं आप, तो टूल बार बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे, और टूल बॉक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा टूल बार। क्या मिलेगा टूल बार, या दे सकते हैं टूल स्ट्रप, क्या ले सकते हैं टूल स्ट्रप, ये देखिए टूल स्ट्रप आ गए। अब आप जैसे यहाँ से न्यू के लिए लाना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिए, ठीक। अब इस पर राइट क्लिक करिए, सेट न्यू के लिए आपने यहाँ पे दे रखा है क्या ऐड बटन, फिर आपने दे रखा है यहाँ पे क्या है के लिए कट के लिए बनाना है, कट के लिए तो आप राइट क्लिक सेट ऐड, ऐड करने के बाद कट के लिए भी आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ बन के आता है कट कॉपी पेस्ट, कट के लिए बन के आ जाए। आप सेव के लिए बनाना चाहते हैं सेव, राइट क्लिक सेट किसके लिए सेव के लिए, ठीक। अब आप आ गया क्लियर। आप इन पे अब टूल टिप देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं टूल टिप देना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ पे आपके पास वही तरीका मिल जाएगा पूरा, जो भी टूल टिप आपने यहाँ पर दे दीजिए, टूल टिप जो भी आपको यहाँ पर देना टूल टिप टेक्स्ट, तो आपका ये काहे के लिए सेव के लिए, काहे के लिए सेव के लिए, ये आपका काहे के लिए राइट क्लिक प्रॉपर्टी, ये आपका काहे के लिए कट के लिए, तो आपने यहाँ क्या दे दिया कट, ये आपका काहे के लिए प्रॉपर्टी, ये आपका काहे के लिए न्यू के लिए, तो आपने न्यू के लिए, ठीक। इन पे कोडिंग करनी है, डबल क्लिक किया दिल के क्लिक कीवर्ड, तो आप यही वाली न्यू वाली कोडिंग इस पर भी दे दीजिए, रन करा दीजिए, देख लो आपने इस पर क्लिक किया लेकिन ये फॉर्म आ गया, प्रिंट पे क्लिक करोगे सेव, देखिए टूल टिप भी आ रही है, ये आपका क्या बन जाएगी टूल बार, क्या बन जाएगी टूल बार। इस टाइप से हम कोई भी टूल बार या डिजाइन करते हैं। इसमें आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ये है, ये क्या है डिबग में देखो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ये देखो ये क्या है, ये कॉम्बो बॉक्स है, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स भी ऐड करा सकते हैं, देखिए है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ गए, आ गया। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में जैसे आप गए सेलेक्ट कर ली ड्रॉप डाउन, अब आप यहाँ से प्रॉपर्टी में जाइए, कहाँ गए प्रॉपर्टी किसकी ड्रॉप डाउन, अब यहाँ जैसे आप कुछ भी देना है ऐड कराया एक आइटम, जैसे आपने दे दिया इसमें ड्रॉप डाउन में, कलेक्शन में गए कलेक्शन में जाइए, जैसे हमने ऐड करा दिया एक टेक्स्ट 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 आपका, ये देखिए यहाँ से टूल टिप विजुअल टेक्स्ट ये लिखा, आपने दे दिया यहाँ कुछ भी, जैसे आपने दे दिया BCA एट, आपने दे दिया यहाँ पे टेक्स्ट BCA, अब आप रन कराएंगे, क्या दे दिया उसको डिलीट करना है, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं डिलीट, उसको भी यहाँ से कर दीजिए डिलीट, उसमें हमने क्या दिया था ड्रॉप डाउन बटन, क्या दिया ड्रॉप कॉम्बो बॉक्स, ये देखिए कॉम्बो बॉक्स सॉरी गलत लीजिए, अब इस कॉम्बो बॉक्स को आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, आइटम्स ले आइए जो जो आइटम आपको डालना है, जैसे आपको डालना है MCA BCA DCA, ठीक ओके कर दीजिए। अब आप देखिए आगे ये देखिए कोई भी कंट्रोल जो आपने जैसे चाहे, जैसे वर्ड वगैरह में रहता है तो आप अपने यहाँ से कोई भी कंट्रोल ऐड करा सकते हैं, आपको जैसे चेक अनचेक कोई लेना है जैसे कंट्रोल लेना यही मिलेंगे, आपको बीच में सेपरेटर लगाना जैसे इसके सेपरेटर लगा ये देखिए सेपरेटर लगा, ठीक। फिर आपको यहाँ पे क्या लेना है इंसर्ट कराना, ठीक। आपको यहाँ से फिर कोई बटन लेना है या लेबल लेना है या आपको स्प्लिट बटन लेना है, ये देखिए स्प्लिट बटन आ गया, स्प्लिट बटन में आपको कुछ सेट करना है जैसे कोई इमेज लगाना या अलाइनमेंट लेफ्ट राइट करना, तो वो भी आप इसका देखिए यहाँ लेफ्ट में आने लगा, तो आप यहाँ से किसी को भी चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार, आप कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं।
तो ये जो हमारा कंट्रोल कहलाता है ये कौन सा कहलाता है, टूल बार, अपनी खुद की टूल बार यहाँ से बना सकते हैं, ये टूल बार आपके पास होगी क्लियर। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं टाइम है, तो जैसे आपने राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपने लिया क्या लेबल, क्या ले लिया लेबल, ठीक। प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपने इसका लेबल यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे क्या है टूल स्क्रिप्ट, क्या नाम लिखा इसका टूल स्क्रिप्ट, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप जैसे इसका जो भी नाम हो लोड इवेंट पे जाने के बाद टूल स्क्रिप्ट इसके क्लिक इवेंट में आते हैं ये ऐड होते चले जा रहे हैं, अंडू कर देते हैं। अब जैसे लेबल पे आपको कुछ भी लिखना है इसके, ये देखिए आगे टूल स्ट्रिप लेबल इसके क्लिक, तो इसको आपको क्या करना है इसको इतने को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कॉपी करने के बाद फॉर्म के लोड इवेंट पे चले जाइए, कहाँ चले जाइए फॉर्म के लोड इवेंट, टेस्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हमने कर लिया नाउ डॉट डेट डॉट डे ऑफ वीक यहाँ पर निकल दिया डेट, या नाउ भी कर सकते डायरेक्ट नाउ और टू स्ट्रिंग और यदि अपन डेट टाइम स्ट्रिंग यहाँ पे दे सकते हैं टू स्ट्रिंग। अब जैसे ही रन कराओगे देखिए आज का टाइम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा नहीं हो रहा, तो इस टाइप से आप कोई भी चीज़ यहाँ से अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, किसी फॉर्म को ओपन कर सकते हो, कोई इमेज लगा सकते हो, कोई भी आप टूल टिप लगा सकते हो, इस टाइप से आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर पे यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है ना, बन गया पूरा। तो आप जो वर्ड बना है वो किससे, आपको इसी से तो बना ही है आपका डॉट डॉट नेट से, टेक्स्ट बॉक्स रख देंगे, सारी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से इसको पूरे तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये आप इतना कर लीजिएगा, बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइएगा, ठीक है।